नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा दो ऐसे स्टॉक्स जो कि कल एक्स डेट ट्रेड होंगे डिविडेंड से, एक ऐसा स्टॉक जो कल बड़ी गिरावट दिखा सकता है और ओवरऑल लगभग 3 से 4 बड़े नंबर्स आने हैं कल और टोटल कहीं ना कहीं 10 स्टॉक्स अपने नंबर्स पेश करेंगे और अमेरिका के बाजार से क्या संकेत आ रहे हैं इस समय, कल के सेशन में मार्केट कैसा कारोबार कर सकता है, इन सब बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अमेरिका के बाजार से जो अपडेट्स आती हुई दिख रही हैं वो देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स इस समय करंटली वॉलेटाइल होने के बाद अभी 40 पॉइंट्स नीचे और डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं 33,845 के लेवल्स पे और आज का हाई है डाउ जोन्स का 33,951 का। हालांकि डाउ जोन्स से ज्यादा हमें नेस्डेक इंडेक्स देखना चाहिए इस समय क्योंकि वहीं से आईटी स्टॉक्स का कुछ रुझान मिल सकता है। तो चलिए पहले आप सभी के साथ बात करता हूं डायरेक्टली नेस्डेक इंडेक्स के बारे में। नेस्डेक इंडेक्स लगभग 0.35% डाउन है और डाउ जोन से ज्यादा गिरा हुआ है। बाकी अगर आप एशिया पैसिफिक मार्केट देखें तो बहुत अच्छा मार्केट है, हरियाली है। यूरोप के मार्केट देखें तो फिटसी को छोड़ दें तो बाकी लाल निशान में और फिटसी भी फ्लैट है, कुछ ज्यादा मूव नहीं है। इनफैक्ट डेक्स और कैक जो लाल निशान में वो भी फ्लैट है, ज्यादा कुछ बड़ा मूव नहीं है, तो यहां से हमें कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अच्छा एक बार हम नेस्डेक इंडेक्स देख ही लिया हमने, एडीआर भी चेक कर लेते हैं कि कैसा ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि आजकल एडीआर बहुत ज्यादा काम दे रहा है। आईडी स्टॉक्स आपने देखा ही, तो इन्फोसिस का एडीआर हरे निशान में, ये रिलीफ की बात है। तो बहुत अच्छी बात दिख रही है कि इन्फोसिस का एडीआर फ्लैट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। यही मैं कह रहा था, एक दो दिन रुक जाते हैं उसके बाद देखते हैं, टेंशन लेनी नहीं, हम तो ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुके हैं। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 3% से ज्यादा टूट गया, इनफैक्ट इंडियन इक्विटी मार्केट में 2% गिरा है मैक्सिमम और वो भी रिकवर कर गया था। मैं एग्जैक्ट बता दूं आपके साथ, तो एचडीएफसी बैंक का शेयर ऑलमोस्ट आज के सेशन में 2.5% टूटा है लेकिन एडीआर 3% नीचे दिख रहा है, तो मे बी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में और फर्दर गिरावट होते हुए दिख सकती है आपको। तो अमेरिका के मार्केट से तो कुछ खास संकेत आ नहीं रहे हैं, फ्लैटिश टाइप के संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 42 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रही है बट अभी भी हमारी निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी 20 पॉइंट्स ऊपर ही है, हम 17,700 के समथिंग क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। वहीं एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 17,721 के लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। अब आते हैं स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे कल। तो सबसे पहले 3 स्टॉक्स के आज नंबर आने थे जो कि आ चुके हैं, एंजल वन, हैथवे केबल एंड TV18 ब्रॉडकास्ट। तो इसमें से मुझे एक स्टॉक जो कि लग रहा है कि कल के सेशन में गिरावट का कैंडिडेट बन सकता है, उस स्टॉक का नाम है दोस्तों हैथवे केबल। आई थिंक मैं एक्जैक्टली आपके साथ शेयर कर देता हूँ, रिजल्ट्स में जाते हैं एंड चेक करते हैं। जी हाँ, हैथवे केबल की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी, ये कंपनी प्रॉफिट से घाटे में आती हुई दिखी है, यानी कि मुनाफे से घाटे में आई है। कंपनी के रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, 28 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 15 करोड़ का लॉस पोस्ट कर दिया है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप अगर चेक करते हैं तो लगभग 28 करोड़ से प्रॉफिट घटकर माइनस में आ गया है 15 करोड़ के। बट एक और चीज है, कंपनी ने कहा है एक्सेप्शनल आइटम फॉर 75 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 7.5 करोड़। तो अगर आप ये एक्सेप्शनल आइटम हटा भी दो तब भी 7.5 करोड़ का घाटा है कंपनी को, तो प्रॉफिट से घाटे में आई है। ये चीज मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये स्टॉक में गिरावट का कैंडिडेट बन सकता है और वैसे भी पैनी स्टॉक टाइप है तो इसको मैं तो अवॉइड करने की राय ही दूंगा। स्टॉक के मार्जिन्स की बात करें तो 20.63% से घटकर 13.72% पे आ गए हैं। ये स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना है कल के सेशन में। इनफैक्ट TV18 ब्रॉडकास्ट के नंबर भी कुछ ज्यादा खास और अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मार्जिन्स देखिए 17% से घटकर 5.49% पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 250 करोड़ से घटकर 77 करोड़ पे आ गया है इनका कामकाजी मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें, कामकाजी मुनाफा और मुनाफा दोनों अलग अलग चीज है, आपके साथ मैंने ये चीज शेयर कर रखी है ऑलरेडी। तो कामकाजी मुनाफा तो मैंने आपको बताया, अगर मुनाफे की बात करें तो 143 करोड़ के सामने 35 करोड़ का प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट हुई है, लगभग 41 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 35 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के नंबर्स कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहे हैं मुझे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ साइड। एंजल वन की बात करें तो कंपनी ने 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है पहली बात, एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें तो 228 करोड़ से बढ़कर 267 करोड़ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। ईयर ऑन ईयर बात करें तो 205 करोड़ से बढ़कर 267 है। तो ये नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, 3 से 5% की तेजी का कैंडिडेट बन सकता है ये कल के सेशन में अगर मार्केट ठीक रहा तो। तो ये स्टॉक के नंबर्स डेफिनेटली अच्छे दिख रहे हैं। क्विक हील टेक की बात करें तो 2.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, ये भी कंपनी आपके लिए लॉस में आती हुई दिखी है। बट अच्छी बात यह है कि लास्ट क्वार्टर 9.3 करोड़ का नुकसान था, इस बार 6.6 करोड़ का है,
तो घाटा थोड़ा कम हुआ है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 28 करोड़ के मुनाफे के सामने कंपनी को लगभग 6.6 करोड़ का लॉस होते हुए दिखा है। तो यहाँ भी नंबर्स थोड़े खराब दिख रहे हैं, बट लास्ट क्वार्टर से थोड़ा इंप्रूवमेंट है, तो ये चीज अच्छी दिख रही है। अब दो स्टॉक जो कल एक्स डेट ट्रेड करने वाले हैं उनके नाम बता देता हूं मैं आपको। तो पहला नाम है मुथूट फाइनेंस, जो कि 22 रुपए पर शेयर का डिविडेंड एक्स ट्रेड करेगा। तो इसमें अगर कोई 22 रुपए तक की कल गिरावट होती है तो उसमें आपको डरना नहीं है, समझ जाना है एक्स डेट ट्रेड कर रहा है। वहीं सेकंड स्टॉक है धामपुर शुगर मिल्स, लगभग 6 रुपए पर शेयर का एक्स डेट ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। नेक्स्ट, अब रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़े नाम है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कल के सेशन में अपना नंबर पेश करता हुआ दिखेगा। टाटा कॉफी अपने नंबर पेश करते हुए दिखेगी। सेफलर इंडिया अपने नंबर पेश करता हुआ दिखेगा। एक्लिया सॉल्यूशन एंड क्रिजल, ये कुछ बड़े नाम है। वहीं टोटल बात करूं मैं आप सभी के साथ तो सैंगनिट केमिकल, विवांटा इंडस्ट्रीज, ओरिएंटल रेल, श्याम कमल इन्वेस्टमेंट एंड सी कोस्ट शिपिंग, ये छोटे छोटे भी हैं और जिनके नंबर्स आने वाले हैं। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो कल के सेशन में एक्शन में रहेंगे। अब निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है निफ्टी आपके लिए कंसोलिडेशन में रह सकती है कल के सेशन में, क्योंकि आईटी में भी आज की बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा संभलता हुआ दिखना चाहिए, रिबाउंड करता हुआ दिखे, और आज बहुत बड़ी रिकवरी ऑलरेडी आई है। डेज हाई पे ही बंद हुआ मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स, एंड मार्केट में कुछ बड़े स्टॉक्स हैं नहीं जिनके कल रिजल्ट्स पे रिएक्शन है। तो मुझे लगता है कल आपके लिए साइडवेज टू पॉजिटिव या फिर साइडवेज टू नेगेटिव होगा, बड़ा मूव नहीं आता हुआ दिखता है मुझे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।